हेलो दोस्तों, आज भाई बात करते हैं फोन के बारे में कि अब मार्केट में फोन लेने जाओगे तो अलग अलग डिमांड है लोगों की। किसी को चाहिए यूट्यूब चलाने के लिए फोन, ठीक है, तो यूट्यूब चलाने के लिए फोन चाहिए तो भाई सुपर एमोलेड डिस्प्ले के फोन लो, 10-12 हज़ार तक, 15 हज़ार तक आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के फोन मिल जाएंगे। प्रोसेसर का कोई लेना देना नहीं है, उसमें मत देखो कौन सा है, ये मत देखो 5G है नहीं है, 4G फोन ले लो और सुपर एमोलेड के फोन लो। इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, देख लो कौन कौन से फोन है, अपना खरीद दो जाके सस्ते में। दूसरी चीज़ है भाई, अगर आपको अच्छे प्रोसेसर के फ़ोन खरीदने हैं तो वो मिलेंगे 15 हज़ार से ऊपर। तो अगर वीडियो देखते हो कि गुड प्रोसेसर फोन अंडर 15,000 तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि अच्छे प्रोसेसर नहीं मिलेंगे आपको, बेकार प्रोसेसर मिलेंगे ज़्यादातर, कि जिनमें भाई गेम रो रो के ही चलेंगे। और भाई अगर आपको खरीदना है 5G फ़ोन के, भाई बात ही करनी है, मुझे फ़ोन पे कुछ करना ही नहीं है, खाली ये है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए मेरा फ़ोन जो है वो 7-8 साल चल जाए, या अपने माँ बाप के लिए फ़ोन खरीदना है कि 7-8 साल तक फ़ोन चल जाएगा, मम्मी पापा को देना है, क्योंकि वो यूट्यूब वगैरह में उनके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई डिस्प्ले कौन सी है, LCD डिस्प्ले भी चल जाएगी उनके लिए। तो भाई डिस्प्ले कैसी भी हो, अपना प्रोसेसर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे पेरेंट्स को गेम तो खेलना नहीं है कि उनको तगड़े वाला प्रोसेसर चाहिए। तो 15 हज़ार तक का फ़ोन दे दो कोई भी 5G फ़ोन, जो भाई 6-7 साल चल जाए अपना। तो ऐसे कुछ फ़ोन की लिस्ट है, बता देता हूँ आपको। पहला फ़ोन है ओप्पो A74 5G, ये फ़ोन भाई 15 हज़ार का है, आपको सेल वगैरह में मिल जाएगा 13 हज़ार तक, बाकी GST वगैरह लगाओगे तो ये 12 हज़ार तक पहुंच जाएगा, और HDFC वगैरह डिस्काउंट वगैरह लग रहे होंगे तो 600-700 और कम लगा लो तो आपको ये फ़ोन 11.5-12 हज़ार तक पड़ जाएगा 15 हज़ार का फ़ोन। दूसरा है IQ का Z6, ये भी 5G फ़ोन है, ये भी 15 हज़ार का, तो इसका भी सेम है भाई, GST लगाओ, डिस्काउंट लगाओ और सेल के टाइम पे खरीद लो, 3-4 हज़ार रुपये ये भी सस्ता मिल जाएगा। अगला है Realme 9 5G, तो ये Realme वालों का 9 5G फ़ोन जो है ये 13 हज़ार का। तो भाई Realme वालों के फ़ोन देख लो भाई कैसे निकलते हैं, आजकल लोग खरीद तो बहुत रहे हैं, चल भी ठीक रहे हैं, सर्विस सेंटर भी ठीक है। ये है 13 हज़ार का फ़ोन और ये भी आपको जो है 10 हज़ार तक पड़ जाएगा अगर सेल के टाइम पे खरीदते हो तो ऑफर के साथ। अगला है F42 5G, ये F42 5G ये सैमसंग का फ़ोन है भाई, डिस्प्ले तो सैमसंग अच्छी देता ही है, तो ये वाला फ़ोन देख लो, ये पड़ जाएगा 15 हज़ार तक का। अगला है Poco M4 5G, ये है 13 हज़ार का फ़ोन, तो पोको वाले के फ़ोन भी आजकल सही निकलते हैं, तो इनका अगर 13 हज़ार तक फ़ोन मिल जाता है तो सही है भाई, 5G फ़ोन, ये लोग भी सर्विस वगैरह अच्छी दे रहे हैं। उसके बाद है Vivo T1 5G, ये 16 हज़ार रुपये का फ़ोन है, वीवो वाले के फ़ोन तो यार बढ़िया निकलते ही है, सारी लड़कियाँ जो है हिंदुस्तान की वीवो के फ़ोन यूज़ कर रही हैं, तो भाई बढ़िया है, वीवो के फ़ोन खरीदो, 16 हज़ार रुपये में बेस्ट फ़ोन है। अगला है भाई Moto G71 5G, ये 16 हज़ार का फ़ोन है और इसकी इसमें डिस्प्ले वगैरह भी यार बहुत बढ़िया है, और ये आपको पड़ जाएगा 13 हज़ार तक का सेल के टाइम पे। अगला है G51 5G, ये भी मोटो का फ़ोन है, ये है 13 हज़ार का। उसके बाद है Redmi Note 10T 5G, ये भाई इसमें खास बात ये है 12 हज़ार का फ़ोन है, एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज़ की, बाकियों में भी भाई एमोलेड डिस्प्ले तो आपको मिल ही जाएगी आराम से, तो एमोलेड डिस्प्ले भी अच्छी डिस्प्ले है LCD के कंपैरिजन में, बस सुपर एमोलेड से थोड़ी सी कम होती है ब्राइटनेस वगैरह, थोड़ी कम मिलती है, पर एमोलेड डिस्प्ले भी अच्छी होती है काफ़ी मूवीज़ वगैरह देखने के लिए। अगला फ़ोन है Infinix Note 12 5G, तो भाई Infinix वालों के फ़ोन सर्विस सेंटर वगैरह है तो बकवास ही, पर ये है कि मतलब मेरे जान पहचान में एक दो के पास है Infinix के फ़ोन, 10-10 साल हो गए चलाते हुए, पता नहीं कैसे चला रहे हैं, बट बढ़िया फ़ोन है, खरीद लो, सही चल जाएगा ये भी। तो ये है भाई 14 हज़ार रुपये का फ़ोन, ये भी डिस्काउंट वगैरह लगा के 12 हज़ार तक का पड़ जाएगा। उसके बाद दोबारा पोको का आ गया M3 Pro 5G, ये भी 14.5 हज़ार का फ़ोन है। फिर है टेक्नो का टेक्नो स्पार्क, ये 11 हज़ार का फ़ोन है 5G, सबसे सस्ता फ़ोन यही है भाई, जिन लोगों को ये है कि बस एक फ़ोन खरीदना है 5G, वो भाई ये टेक्नो स्पार्क ले लो, बहुत सस्ता फ़ोन है अपना, ये है फ्री में पड़ जाएगा आपको अगर सेल के टाइम पर लोगे, क्योंकि GST के 1000 रुपये जाएंगे, HDFC डिस्काउंट के 500 हज़ार रुपये जाएंगे, और क्या बोलते हैं कार डिस्काउंट के 1000 चले जाएंगे, 3 हज़ार रुपये कम कर दो, 7-8 हज़ार रुपये में फ़ोन मिल जाएगा, वो भी 5G, खरीद लो भाई।